एवरीवन, मेरा नाम सहर, अस्सलाम वालेकुम, मेरा विशाल, सबका बहुत ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। सबसे पहले तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। आज की वीडियो लेकर आए, इसमें हम देखने वाले भाई जो आइटम्स होंगे ना उनका मैशअप हम सुनने वाले हैं, जो कि सुनकर बड़ा ही मजा आने वाला है। प्लीज वीडियो का एंड तक देखिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। देखते हैं आज का थॉट। आज बिजली भी गिरवानी है, फायर भी लगवानी है। ऐसे ना तू देख प्लेट, क्यों मेरा ब्रेक करे, लाल ड्रेस में
जी तो भाई आज की वीडियो हो चुकी है ख़त्म और बहुत ही अच्छा मैशअप बनाया हुआ था। आइटम सॉन्ग जो भी हैं जितने भी हैं पुराने नए सब मिक्स करके उन्होंने इतना अच्छा मैशअप बनाया है। वो मैं सॉन्ग हमने सुने जो हमने पहले सुना करते थे भूल गए थे कि भाई वो होते था ना सनी लियोनी के होते थे और भी कितने ऐसी हैं थी गर्ल्स जिनके आइटम सॉन्ग होते लेकिन वो सब भूल गए। अभी बस नोरा जो है ना उनका ज़्यादातर अभी डंका बज रहा है तो उनको ज़्यादातर अब देखने की आदत पड़ चुकी है तो इन सबको जो कि पहले हुआ करते उनको तो हम भूल ही गए थे लेकिन इसको देखकर सब वो याद आ गई हैं। वो जो है ना क्या नाम लेते हैं नसीरुद्दीन वाला जो सॉन्ग था वो इतना हाँ। ज्यादा मशहूर हुआ था कि कोई उलाला उलाला तू है मेरी वो इतना मशहूर सॉन्ग था इतना सुन लिया ना सॉन्ग। और वो एक वो भी क्या नाम था यार वो मुझे भूल गया वो भी सॉन्ग इतना हम सुना करते थे कि कोई हिसाब ही नहीं है। बड़े ही आइटम सॉन्ग ऐसे आज सुन लिया फिर आज फिर से सुन लिया आज फिर से ना वो सब कुछ याद आ गया। इतने सॉन्ग थे पहले पहले हुआ करते इतनी गर्ल्स वो मलाइका अरोड़ा का ही सॉन्ग जो मैं बोल रही हूँ ना वो है जो बड़ा ही आइटम सॉन्ग जिसका हमें पहले पहले पता ही नहीं था कि होता क्या लेकिन अब जो है हर मूवी में आप देख लो भैया आपको एक आइटम सॉन्ग ज़रूर मिलना चाहिए क्योंकि उसके बिना जो मूवी है ना वो अधूरी सी फील होती है। तो इस वजह से आपको हर मूवी में आइटम सॉन्ग मिलेगा और ये आइटम सॉन्ग का मैशअप बहुत ही ज़्यादा कमाल का बेस्ट लगा है मुझे। तो वैसे आप सबको कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा सॉन्ग लगता है वो भी ज़रूर बताना और कैसा लगा ये मैशअप वो भी बताना। फिर आपको मिलता है इसी तरह एक और नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिए चलते अल्लाह।